अमित शाह से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी चुनाव और कैबिनेट विस्तार पर चर्चा संभव। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का सीएम ममता पर तंज, क्रेडिट लीजिए लेकिन टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाइए। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम, बढ़ती महंगाई पर लोगों ने किया हंगामा, सरकार के खिलाफ हुआ जमकर प्रदर्शन। इंदौर में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, नकली नोट के साथ शातिर हुआ गिरफ्तार, शातिरों के लाखों रुपए बरामद। गुना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लुटेरी दुल्हन गिरोह का किया पर्दाफाश, चार महिलाओं समेत छह आरोपी गिरफ्तार। तो मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों का वक्त हो चला है। भोपाल में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज के साथ मुलाकात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में काफी हलचल हुई। सांसद सिंधिया सीएम के साथ हुई मुलाकात के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से भी मिले। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी, भाजपा में कोई मतभेद नहीं है, कांग्रेस के नेताओं ने अफवाह फैलाई लेकिन इसका भाजपा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो मंत्री भूपेंद्र सिंह से मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद से लगातार कयास काफी हद तक बढ़ गए। सीएम के साथ हुई मुलाकात के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से भी मुलाकात की। उन्होंने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी, भाजपा में कोई मतभेद नहीं है, कांग्रेस के नेताओं ने अफवाह फैलाई है लेकिन इसका भाजपा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुलाकात बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी के भीतर मतभेद चल रहा है, ये तमाम अफवाहें हैं, इस सभी बयानबाजियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं इस खबर पर हमारे साथ भूपेंद्र संवाददाता जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री भूपेंद्र से जो मुलाकात हुई है उसके बाद ये जो तमाम चीजें बयानबाजी उनकी जो सामने आई है, क्या अटकलें लगाई जा रही हैं इस वक्त? देखिए, जाहिर सी बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े कद के नेता हैं। कांग्रेस में जब वो हुआ करते तब भी उनका कद बहुत बड़ा था और आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में अपने समर्थकों के साथ आ चुके हैं तो यहाँ भी उनका कद बड़ा ही है और उनके अचानक दिल्ली से भोपाल आने और शिवराज सिंह चौहान समेत आला कमान नेताओं से मिलने के बाद जो स्थिति है वो फिर उछल पुछल जैसी मचने लगी थी। लोगों की ये शंका थी कि शायद फिर से जो एक अफवाह फैली थी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने पद से हटाए जा रहे हैं, ऐसी जो अफवाह का बाजार जो गर्म हुआ था उसको लेकर एक बार फिर खलबली मची थी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का बयान आने के बाद भूपेंद्र सिंह का भी बयान ये आ चुका है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर की पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ सभी समान हैं और आना जाना एक साधारण सी बात है, तो ये भूपेंद्र सिंह का कहना है और इसी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल उनका आगमन हुआ है। शिवराज सिंह चौहान समेत कई आला कमान नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है जो की एक साधारण मुलाकात थी, एक आत्मीय मुलाकात थी। तो ये बयान जो है भूपेंद्र सिंह ने दिया है और साथ में ये भी कहा है कि इसको किसी राजनीतिक मोड़ ना दिया जाए, राजनीतिक रंग ना दिया जाए क्योंकि पार्टी का व्यक्ति पार्टी के व्यक्ति से मिल सकता है, एक साधारण सी बात है। तो भूपेंद्र सिंह ने इस तरह से अगर कोई खलबली अंदरूनी तौर पर चल भी रही है तो उसको सिरे से खारिज कर लिया है या यूं कह सकते हैं कि उस पर पर्दा डाल दिया है। लेकिन फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से सुबुघाट अभी भी यही है कि शायद कोई बड़ा फेरबदल होने की संभावनाएं नजर आ रही है। सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, उसको लेकर भी कयास जगाए जा रहे थे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जितिन प्रसाद का भी जोरदार स्वागत किया है। जी बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया से पहले सचिन पायलट का की जो नाराजगी थी वो बात एक अलग थी, लेकिन जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी का सम्मान किया है, स्वागत किया है उन लोगों की मौजूदगी का, उन्होंने केंद्रीय मंत्री बनने के मुद्दे पर जब उनसे सवाल किया गया कि आपको केंद्रीय मंत्री बनाया जा रहा है तब भी उन्होंने साधारण सी बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है और सभी समान रूप से हैं और जो भी फैसला होगा पार्टी का यहाँ पर सभी समान एक नजर से देखे जाते हैं और जो भी फैसला होगा पार्टी आला कमान का उसको सभी
भी बराबरी से मानेंगे। तो यह कहकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से इस बात को पर बल दिया है कि भाजपा पार्टी में किसी भी तरह की फूट फिलहाल तो नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से सिंधिया की मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात हुई उस पर कहीं ना कहीं ये सामने आया है, उन्होंने कहा है कि ये शिष्टाचारिक मुलाकात थी और ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं। हालांकि सियासी गलियारों में ये अफवाहें हैं कि कहीं ना कहीं ये इसके मायने इसके पीछे के कई अहम हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और रतलाम में एसपी ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में किन्नर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मारपीट के मामले में टीआई के खिलाफ कार्रवाई की जाए और टीआई को निलंबित कर दिया जाए। बता दें कि एक दिन पहले भी किन्नरों ने बिलपांक टोल पर पहुंचकर अपनी मांगों को उठाया था। वहीं एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी गौरव तिवारी से बात भी की। वहीं किन्नरों का कहना है कि हम तो मांग कर खाने वाले हैं। कोरोना महामारी में लॉकडाउन में परेशानियां आई और इस समय हमें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है और अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, पिछले लॉकडाउन से यहाँ पर रेलवे जब से बंद हुई है तब से किन्नर जो रेलवे स्टेशन पे मांगते थे वो टोल नाके जो है यहाँ धरा गांव के पास में इस टोल नाके पे आके मांगना शुरू हो गए थे। तो अभी कुछ दिनों तक तो बड़े रिक्वेस्टेड मांगते थे लेकिन कभी कभी वो फोर्सली भी मांगना शुरू हो जाते थे। तो फोर्सली मांगने के कारण से पब्लिक की शिकायत रहती थी कि सर ये ज़बरदस्ती करते हैं, पैसा नहीं देने पर अनशन बकते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो इसकी शिकायत वरिष्ठ कार्यालय में भी कई बार हो रही थी। दो तीन महीने से इन्हें लगातार समझा रहे थे लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। फिर कल पुलिस फोर्स लगा के फोर्सली उनको वहाँ से फिर हटाया गया। अच्छा, कि आप यहाँ पे ना मांगें, आप अपना लॉकडाउन खुल गया है, बाजार में जाएं। इसकी शिकायत जनता लगातार कर रही है, रस्ते से गुजरने वाले लोग परेशान हैं आपसे, इस कारण से उनको हटाया गया था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता नेहरू खान जुड़ चुके हैं। नेहरू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी किन मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन करने की किन्नरों द्वारा बात की जा रही है, क्या है उनकी मांगे? देखिए, हम आपको बता दें इस तरह की ये पूरा मामला जो है ये बिलपांग थाना क्षेत्र का है और बिलपांग में टोल प्लाजा के ऊपर किन्नरों द्वारा वसूली की जा रही थी जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को मिली थी। पुलिस प्रशासन ने उस पर एक्शन लेते हुए जब इनसे चर्चा की तो इनके द्वारा बताया वहाँ पे एसपी साहब के कार्यालय पे और कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंदौर में विधायक संजय शुक्ला ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग वार्डों का दौरा किया। इस दौरान पर कोरोना महामारी में अपनी जान गंवा चुके लोगों के परिवार वालों के साथ मुलाकात की, साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव आर्थिक मदद देने की भी बात कही है। कोरोना से पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। विधायक संजय शुक्ला ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को सहायता राशि नहीं दी जाती है तो वो हाईकोर्ट तक जाएंगे और गरीबों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे तो कोरोना से पीड़ित 1-1 लाख रुपए परिवारों को सहायता राशि देने की बात कही गई है। बता दें कि इंदौर में विधायक संजय शुक्ला ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग वार्डों का दौरा किया। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा जो भी कोरोना से मरे जिनके पास पॉजिटिव रिपोर्ट है, वो जिसको सिटी स्कैन हुआ और अस्पताल में भर्ती थे, उन सबको 1-1 लाख रुपए देना चाहिए। सरकार से मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री मांग करता हूँ, जो उन्होंने घोषणा करी जिसको कोरोना सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मेरी विधानसभा के अंदर जितने भी लोग एक्सपायर हुए मैं उनके घर जाके बैठ रहा हूँ और उनसे जानकारी ले रहा हूँ और उन्हें कागज इकट्ठे कर रहा हूँ जिससे सरकार द्वारा उनकी मदद कर सकूँ। जिनके पॉजिटिव आ गए उनको करा ही दूंगा, परंतु जिनके पास कोरोना पॉजिटिव हुए और अस्पताल में भर्ती थे उनको सर्टिफिकेट नहीं है, मैं उन लोगों के लिए हाईकोर्ट में जाके केस लड़ूंगा। नहीं तो आदरणीय मुख्यमंत्री पहले मांग करता हूँ कि पहले आप घोषणा करें कि जितने भी लोग पॉजिटिव हुए अस्पताल में भर्ती हुए उन सबको मैं 1-1 लाख रुपये दूंगा। की है कि जो कोरोना के समय में पीड़ित लोग हैं उन्हें पूर्णतः सहायता दी जाए। वहीं इस खबर पर हमारे साथ योगी शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से विधायक संजय शुक्ला ने ये जो बयान दिया है उसको लेकर वो कितने सीरियस हैं और किस हद तक वो तमाम चीजों को अंजाम दे रहे, क्योंकि कोर्ट जाने तक की भी बात कही है उन्होंने। जी, सिद्धि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना की प्रथम लहर से ही
लोकप्रिय विधायक संजय शुक्ला जी बिल्कुल जमीन पर हैं और काफी उन्होंने मदद की है कोरोना पीड़ितों की। लगातार वो दो लहरों पे मेहनत करते आ रहे हैं। अभी उन्होंने उनके विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के सभी वार्डों का दौरा किया है और इसमें जिसकी भी मृत्यु हुई है उसके लिए 1,00,000 रुपए आर्थिक सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। शहबाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंदौर के थाना खजराना में बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं और अपराधों के बढ़ने पर खजराना टीआई दिनेश वर्मा को भी इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि टीआई की लापरवाही की वजह से उनसे थाना नहीं संभल रहा है। बीते दिनों भी हीरा नगर में हुई दोहरी हत्या में लोगों को डरा दिया और शहर में महज 12 घंटे के अंतराल में फिर से दो हत्याओं की घटना सामने आ चुकी है। इस बार मामूली विवाद की वजह से ये हत्याएं की गई है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई जारी है। एक सूचना मिली थी, चाकूबाजी की घटना हुई थी थाना खजराना के जल्ला कॉलोनी में। इसमें जो मृतक है वकील खान, पिता ईद मोहम्मद, 33 वर्ष, जल्ला कॉलोनी के हैं और इनको चाकू पीठ में और पैर में लगा था और ये इलाज के लिए इनको वहाँ अस्पताल भेजा था MYH। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें हत्या का अपराध हम लोग भी पंजीबद्ध करेंगे। स्पॉट पर भी गए थे तो उसमें जो है इनका कुछ सामने पड़ोसी रहते थे इनके, शाहरुख और तालिब उर्फ तालिया, ये दो लोगों से इनका कुछ विवाद था और पत्थर उत्थर फेंकते थे छत पे, चद्दर पे, ऐसी कोई छोटी सी बात थी उस पर इनका जो है पड़ोसी होने के नाते इनका झगड़ा और रंजिश चलती रहती थी। उसी बात को आज बढ़ गई और हत्या। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने नकली नोट चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी के पास से 100, 500 और 2000 के करीब 2,53,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पुराने नोटों को मार्केट में दोबारा से चलाने का काम कर रहा है। आरोपी की निशानदेही पर जब घर में तलाशी ली गई तो वहां से नोट छापने का प्रिंटर, नोट हाई क्वालिटी का पेपर, ग्लास कटर, लैपटॉप व कई सामग्री को बरामद किया गया है। बता दें कि आरोपी 2 महीने से नकली नोट बनाने में काफी ज्यादा सक्रिय था। क्राइम ब्रांच ने इसको दबोचा और इस व्यक्ति का जब तलाशी ली तो इसके पास से नकली नोट बरामद हुए और इसके उपरांत इसके आवास की तलाशी ली गई तो जहां इक्विपमेंट मिले, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, कलर प्रिंटर, वो जो पेपर होता है जिसपे वो छापते हैं और इम्पोर्टेंटली कटिंग मटेरियल जिससे वो उसको साफ सफाई से नोट को काटे। आपने देखा होगा कि ये नोट जो हैं वो पहली नज़र में हूबहू वैसे ही लगते हैं और इसको अरेस्ट कर। इंदौर में एक प्रेमी जोड़े ने अपनी हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। दरअसल मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के मालवीय नगर का है। बताया जा रहा है कि दोनों के ही घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे जिससे आहत होकर प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या करने का कदम उठाया जिसमें युवती की मौत हो गई। वहीं युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। शाम के समय सूचना आई थी कि कोई मालवीय नगर में कमरे में कोई दो एक युवक युवतियों ने नस काट ली और सुसाइड अटेम्प्ट किया है। सूचना पर पुलिस पहुंची, वहां पर पुलिस ने उनको अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में पता चला कि लड़की की डेथ हो गई है और लड़का अभी मतलब कथन देने योग्य स्थिति में नहीं है, बेहोश। जो अभी प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिली है कि लड़के का नाम अजल है और लड़की पूजा नाम की। लड़का कहीं खंडवा खरगोन तरफ का रहने वाला। कोरोना महामारी के बाद देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। गरीब और मजदूर वर्ग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान और आम जनता भी महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है। लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए महंगाई पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम भी आसमान छूते जा रहे हैं। बढ़ते दामों को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की। कोरोना वायरस के बाद महामारी से पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से इजाफा कर रही है जिसकी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूँ आपके साथ नारू खान। आज हम बात करेंगे जिस तरह देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ हमारे साथ में जनता मौजूद है, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा की। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे आप आज जिस तरह पेट्रोल के निरंतर बढ़ते जा रहे हैं दाम, उसके क्या कहेंगे आप? पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं सरकार की कोई लगाम नहीं है, बेहताशा पेट्रोल की वृद्धि हो चुकी है।
आम आदमी त्रस्त हो चुका है इस सरकार से और तेल कंपनियों के आगे प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए ऐसा लगता है। वरना क्या मजा है कि तेल कंपनी इतने रेट बढ़ा दे और प्रधानमंत्री का इस ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। आज जनता काम के लिए बेरोजगार घूम रही है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और पेट्रोल पे कोई दिन बाकी नहीं है जो पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। आज कांग्रेस के शासन में 2014 के अंदर मात्र 60 रुपये पेट्रोल था और आज बढ़कर जो है 104 रुपये के लगभग पेट्रोल हो चुका है। जो गरीब जनता एकदम हम जैसे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी आज मुश्किल हो गया पेट्रोल भराना। कहीं ना कहीं जनता को ऐसा लगता था कि भाजपा सरकार के बाद में पेट्रोल या डीजल के दामों में कमी आई। झूठे सपने दिखा के वोट हासिल कर लिए गुमराह करके लोगों को, वो लोगों ने जो है इन पर भरोसा किया और भरोसे के इनको जनता को जो है इस प्रकार लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की कर रही है। और प्रधानमंत्री अभी भी आप ध्यान दीजिए, पेट्रोल को जो है 50-60-70 रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप इस ओर ध्यान दें वरना जनता आपको अगले चुनाव में सबक सिखा देगी। जिस तरह आपने देखा कि अभी यहाँ पे हमने चर्चा की और इन लोगों द्वारा बताया जा रहा है, ये जा भी रहे हैं लोग पेट्रोल डलाकर, कि कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जिस तरह निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ पे कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जनता कहीं ना कहीं विरोध भी कर रही है, आप क्या कहेंगे इस मामले में? जिस तरह पेट्रोल के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि प्रदेश सरकार को ये चाहिए, शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पे फेल हो गए हैं, सरकार गिराई इन्होंने और गिराने के बाद में विधायक खरीदे इन्होंने। अब ये है कि इनको वेट कम कर देना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार को ये चाहिए कि वेट कम कर दें। और बीजेपी तो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, महंगाई इन्होंने इतनी बढ़ा दी है कि बीजेपी बिल्कुल फेल हो चुकी है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना है साहब, पहले आत्मनिर्भर का नारा दिया प्रधानमंत्री जी ने तो सरसों का तेल डीजल पेट्रोल आत्मनिर्भर हो गया, गैस की टंकी आत्मनिर्भर हो गई, अब तो घर का चूल्हा जलाना भी बहुत महंगा पड़ रहा है, दाल आत्मनिर्भर हो गई हैगी, गरीब की थाली से दाल गायब, किसान परेशान, नौजवान बेरोजगार, ये सरकार सपा के सपा खिलाफ हो चुकी है, युवाओं के साथ कुछ भी नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार के नाम पे जीरो है ये सरकार। अभी आप पेट्रोल डलाने आए किस रेट? पेट्रोल तो आप ये समझ लो क्या इतना आत्मनिर्भर कर दिया है पेट्रोल के डीजल भी, उन दो के बीच में टक्कर चल रही है कि अर्धशतक पहले कोल लगाता था, अब शतक लगा दिया है, अब शायद दोहरी शतक की चल रही है, तैयारी चल रही है उनके बीच में। किस रेट में डला है आपने उन दो की? पेट्रोल और डीजल के बीच में दोहरा शतक मार गया सरसों का तेल। आप देखो सरसों का तेल 213 रुपये पहुंच गया, गरीब की थाली से गायब हो गया, पेट्रोल कैसे भराएंगे आप ये सोचो, 103 रुपये 81 पैसे पेट्रोल। जिस तरह हमने जनता से यहाँ पेट्रोल पंप पे बात की और जिस तरह हमने जाना, ये मुद्दा केवल हमारे जावरा या रतलाम या मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। बढ़ती महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है। मैं रतलाम से ब्यूरो रिपोर्ट नारू खान, कैमरामैन कृति वर्रा के साथ। रीवा के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी गर्भवती पत्नी की जमकर पिटाई की और उसके बाद पत्नी का गर्भपात करा दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पीड़ित महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आरोपी से पुलिस हिरासत में पूछताछ कर रही है। कल रात गोविंदगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सतपाल साकेत नाम का व्यक्ति है जो अपने परिवार के साथ रहता है, उसके परिवार में उसकी तीन पत्नियां बता रहे हैं, जो पूछताछ में आया है उसमें से एक पत्नी के साथ उसके द्वारा मारपीट की गई थी और मारपीट के कारण से उसका कुछ गर्भ था वो पास हो गया, उसका तुरंत पुलिस के द्वारा उसको एडमिट कराया गया। महिला ध्यान देने की स्थिति में नहीं थी उस समय, पुलिस के द्वारा उसमें प्राथमिक जांच प्रारंभ कर दी गई है, डॉक्टर के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर तत्वानुसार। धार जिले के मनावर कृषि विभाग नकली कपास बीज एवं अवैध तरीके से बीज बेचने को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं आज कृषि विभाग के निरीक्षक ने बगैर लाइसेंसी राजबाला हार्डवेयर फर्म पर छापेमारी की, जिस पर कृषि विभाग ने हार्डवेयर के मालिक नानू राम पाटीदार के खिलाफ कार्रवाई कर दुकान में रखा अवैध अनाज बीज जब्त किया है। वहीं हार्डवेयर के मालिक नानू राम पाटीदार ने बताया कि अनाज बीज मेरा नहीं है, वो राजबाला ट्रेडर्स के मालिक अखिलेश पाटीदार द्वारा मेरी दुकान में रखा गया था, क्योंकि उनकी फर्म का लाइसेंस पिछले कई महीने पहले कृषि विभाग ने निरस्त कर दिया था, जिसके कारण अखिलेश पाटीदार ने अनाज बीज मेरे दुकान में रख दिया था।
जिसे आज कृषि विभाग ने मेरी दुकान पर कार्रवाई कर अनाज बीज जब्त कर लिए। वहीं अब देखने वाली बात है कि कृषि विभाग इन दोनों दुकानदारों पर कार्रवाई करेगी या जहां से अवैध बीज भंडारण पकड़ा गया उस फर्म पर ही कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया जाएगा। हाँ, मैं नानूराम पाटीदार, राजवाला हार्डवेयर, मनावर, सिंघाना रोड, मनावर। यहाँ पर मक्का बुकिंग की, राजवाला ट्रेडिंग कंपनी की बुकिंग की रखी हुई थी। इसमें क्रय विक्रय 1 रुपये का नहीं करा है, ऐसी ऐसी रखी हुई है। ये कृषि विभाग के कर्मचारी आए, इन्होंने कार्रवाई की। यहाँ से किसी को ले जाते हुए या कोई नहीं, किसी को किसी को नहीं देखा है, किसी ग्राहक को ले जाते हाँ, उन्होंने देखा या किसी ग्राहक को नहीं देखा, ना क्रय विक्रय करा ही नहीं इसका। तो फिर इनने आपकी यहाँ दुकान पर आके कार्रवाई क्यों की? ये माल बड़ा था ना, वो दुकान बंद है, बुकिंग का माल है, इसलिए यहाँ रख दिया है। क्रय विक्रय बंद है, जिस दुकान का माल पड़ा उसका तो लाइसेंस निरस्त है। हाँ, तो इसीलिए तो वहाँ नहीं रखा। आपके यहाँ क्यों रखी उनने? ये वापस रिटर्न जाएगा माल। गुना पुलिस को बड़ी सफलता हार लगी है। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश किया है और 4 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी क्षेत्र में जिस किसी की शादी नहीं होती थी उससे संपर्क किया करती थी और शादी करने के कुछ दिनों बाद लूट कर फरार हो जाते थे। इस मामले में पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मकसूद नगर थाना प्रभारी की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज भी कर लिया गया है। थाना चाचोड़ा के अंतर्गत रूपाहेड़ी गांव के एक फरियादी लाखन द्वारा यह शिकायत की गई थी कि उसके साथ शादी कराने का कपटपूर्ण कार्य किया गया है। धोखाधड़ी देकर शादी कराई गई और पैसे लेकर जो आने वाली दुल्हन थी वो पैसे रुपये लेकर चंपत हो गई। इस तरह की घटना सामने आई और इस घटना पर मैंने SDOP चाचोड़ा, मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी एवं साइबर की टीम को। इंदौर में कोरोना के मामले कम होने के बाद एक बार फिर अनलॉक किया गया, ऐसे में पिछली गलती ना दोहराई जाए इसको लेकर बीजेपी नेताओं द्वारा जन जागरण अभियान चलाया गया, जिसके तहत बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और कई बीजेपी नेताओं ने लोगों को जागरूक किया और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए दुकानों के बाहर गोल घेरे भी बनाए और लोगों से मास्क लगाने की भी अपील की। शहर के प्रमुख सारे ऐसे बाजार जहाँ पे भीड़ लगती है वहाँ पे जा रहे हैं और उनको ये आग्रह कर रहे हैं कि कोरोना अनुकूल व्यवहार, कोरोना प्रतिकूल व्यवहार करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, गोले बना के खड़े रहें, मास्क लगाएं भी और जो दुकान में आता है उसको लगवाएं भी। साथ ही साथ वैक्सीनेशन पे जोर दे रहे हैं, तो कोरोना को लेके ये लगातार हमारा जन जागृति अभियान चल रहा है जो आगामी आने वाले दिनों में और चलता रहेगा और रोज़ हम 9 बजे से लेकर तो 11 बजे तक 2 घंटे शहर के सभी प्रमुख बाजारों में जाके कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने करा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ से मध्य प्रदेश शासन को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि पिछले दिनों इंदौर, उज्जैन और मंदसौर जिले में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को मुआवजा जारी किया जाए और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। गौरतलब है कि इंदौर, उज्जैन और मंदसौर में राम मंदिर के लिए चंदा वसूलने के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की गई थी। मुस्लिम समुदाय के ने घरों में तोड़फोड़ हुई, मारपीट की गई, वहीं जिस तरह से केस दर्ज होना चाहिए था उस तरह से नहीं किया गया। राज्य शासन से मांग गई है कि जिन परिवारों को नुकसान पहुंचा है उन्हें मुआवजा दिया जाए और संबंधित कलेक्टरों, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की जाए। इस मामले में 7 दिन में जवाब मांगा गया है। धार में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखा जा रहा है। एक ओर लोगों को कोरोना वायरस से परेशानी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों से परेशान है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम 105.95 रुपए और पहुंच गए हैं। ऐसे में वाहन चालकों का कहना है कि आगे जाकर मजबूरन वो वाहन चलाना छोड़ देंगे, लेकिन अब माना जा रहा है कि आगे भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखा जा सकता है। पूरे देश में आज वाहन चालक परेशान है, लगातार बढ़ रहे पेट्रोल दामों से। जहां पेट्रोल पंप पर सैकड़ों की तादाद में भीड़ दिखाई देती थी, आज गिने चुने लोग ही यहाँ पर पेट्रोल डलवाते दिख रहे हैं। पेट्रोल के दाम आज की तारीख में
105 रुपये 27 पैसे है यह पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे पर बना हुआ है, लेकिन इसके हालात देखिए कोई भी। मध्य प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।